ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता, और साथ ही जानेंगे कि मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद मंदिर से निकलते वक्त कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठा जाता है। तो शिवपुराण की कथा कहती है कि सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता, लेकिन यदि कोई विशेष उत्सव हो, शिव जी का, जैसे शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, श्रावण महीने के सोमवार हो, तो शिवलिंग का अभिषेक आप कर सकते हैं। पर शंकर जी को सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद जल नहीं चढ़ता, इसलिए आज भी ये नियम है कि मुर्दे का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के पहले ही हो जाता है। इसलिए यदि शिव भगवान का प्रिय महीना हो तो बात दूसरी है, पर सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकर भगवान का द्वारपाल मणिभद्र जी हैं। यदि कोई इंसान मंदिर आता है और पूजा करके जब वापस लौटता है तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठता है, क्योंकि ये शिवपुराण का ही चरित्र है जो आज भी लोग अपनाते हैं। वो मंदिर में पूजा करने के बाद शिव मंदिर से घर जाने से पहले कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर जरूर बैठते हैं, और बैठना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, शिवपुराण कहती है कि शंकर भगवान के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी हैं। दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर वो देखते हैं कि कौन मंदिर के द्वार पर बैठा है हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी से कितना थका हुआ है, वो क्या भगवान से मांग रहा है, क्योंकि मणिभद्र जी शिव जी के प्रियगण हैं। इसलिए तुरंत मणिभद्र जी कुबेर का खजाना खोलकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति पर लुटा देते हैं। शिवपुराण में एक बहुत ही अच्छी बात वर्णित है कि शिव मंदिर में शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर, फिर जिस पात्र से शिवलिंग पर बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है थोड़ा उस पात्र में जल डाल दें, फिर मंदिर से वापस निकलते समय नंदी का जो एक पैर थोड़ा सा उठा हुआ होता है उस चरण पर थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर शिव मंदिर की चौखट पर दो बूंद पानी डाल दें। यही जल चढ़ाने का नियम है, ऐसा शिवपुराण कहती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो ऐसे ही जल चढ़ाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान की चौखट की पूजन की महत्ता है, मंदिर के पीछे सिर झुकाने की महत्ता नहीं।